इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स को बड़ा झटका लगा है। टीम के कप्तान केएल राहुल आईपीएल के 14वें सीजन के बाकी मैच नहीं खेल पाएंगे। राहुल को अपेंडिक्स हो गया है और जल्दी उनका ऑपरेशन होगा। पंजाब किंग्स की तरफ से इस संबंध में बयान जारी किया गया है। फ्रेंचाइजी के मुताबिक बीती रात केएल राहुल ने पेट में दर्द की शिकायत की थी। दर्द बेहद ज्यादा था जिसके चलते दवाइयों का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। बयान में आगे कहा गया, राहुल के टेस्ट किए गए जिसमें पता चला कि उन्हें अपेंडिक्स हुआ है। अपेंडिक्स की बीमारी को ऑपरेशन के माध्यम से ठीक किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शिकायत के बाद सर्जरी और इलाज के लिए मुंबई रवाना हो गए हैं। उनकी फ्रेंचाइजी ने रविवार को ये जानकारी दी। राहुल की अनुपस्थिति में मयंक अग्रवाल ने टीम की कमान संभाली, जिसकी शुरुआत आज यानी रविवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई से हुई। पंजाब किंग्स की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक राहुल ने कल रात पेट में दर्द की शिकायत की और दवा लेने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिला। उन्हें जांच के लिए आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया, जिसमें पता चला कि उन्हें अपेंडिक्स की शिकायत है। उन्होंने बताया, इसका इलाज सर्जरी से किया जाएगा और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। केएल राहुल ने इस सीजन के 7 मैचों में 66.20 की औसत से 331 रन बनाए थे और उनके पास ऑरेंज कैप थी। पंजाब किंग्स ने अपने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 34 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। उस मैच में कप्तान राहुल ने नाबाद 91 रनों की पारी खेली थी। पंजाब किंग्स ने इस आईपीएल में अब तक 3 मैचें जीते हैं और तीनों जीत में राहुल की बड़ी भूमिका रही।